गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द चैनल. इन दिस चैनल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. टॉपिक इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स. स्वागत है आपका दोस्तों आपके इस चैनल में. इस वीडियो में हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स. व्हाट आर द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? व्हाट आर द यूजेस ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स? नाउ इंट्रोडक्शन टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स आर द एजेंट्स डेट आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक डिजॉर्डर्स. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिजीज़ होते हैं, जो डिजॉर्डर्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि हाइपर एसिडिटी, हाइपो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री एंड अदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस. तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है हमारा माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें कि ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम कवर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें कि केसम और कोलोन कवर होता है, रेक्टम, एनस एंड इट्स एकम्पनाइंग एक्सोक्रिन ग्लैंड्स जो कि उसके साथ के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है, पेंक्रेटिक ग्लैंड जो कि पेंक्रेटिक जूस सिक्रीट आउट करता है एंड जबकि गलब्लैडर जो कि बाइल जूस सिक्रीट आउट करता है, जिससे हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शंस कर सकते हैं और हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता रहता है. तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है. तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है. स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन है हमारी पैराटल सेल्स के थ्रू होती है और ये जो पैराटल सेल्स है ये स्टिमुलेट होता है वेगस नर्व, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन जैसे केमिकल ट्रांसमीटर्स के द्वारा, केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे जो पैराटल सेल्स है ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में. कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में पैराटल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटोन आयन बनाता है. ये जो प्रोटोन है गैस्ट्रिक ल्यूमन में जो है भेजा जाता है किसके द्वारा? ये H प्लस K प्लस ATPase एंजाइम के द्वारा. तो ये पंप हमारे सिस्टम में गैस्ट्रिक ल्यूमन में वर्क करता है जिसको हम प्रोटोन पंप बोलते हैं. अगर हम जिन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है तो उस अवस्था में, उस कंडीशंस में हम इस प्रोटोन पंप को रिड्यूस करते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करते हैं ताकि हमारा एक्सेस प्रोटोन रिलीज ना हो और हाइपर एसिडिटी ना हो. तो ये जो प्रोटॉन हमारा ल्यूमिन में पहुंचा प्रोटॉन पंप के द्वारा, इसके बाद बारी आती है क्लोराइड आयंस की. तो क्लोराइड आयंस से हमारा पैराटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट आउट होगा ल्यूमिन में सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा. यहाँ पर क्या होगा, गैस्ट्रिक ल्यूमिन में वाटर भी है, क्लोराइड भी पहुँच गया और प्रोटॉन्स भी पहुँच गया. तो ये तीनों मिल के जो है गैस्ट्रिक HCl का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे. और ये जो हमारा बाइकार्बोनेट आयंस जो बन रहा था ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेटेड होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फिर से ये डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा या एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वाया किडनी एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा लंग्स के थ्रू. तब नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे डिजीज़ ऑफ द GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की क्या क्या कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं. तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो डिजीज़ होती है वो उस पर सबसे पहला नाम है एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया. एक्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है कि जिसमें HCl का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिग्रेशन नहीं होता है, या हाइपोक्लोरहाइड्रिया या बहुत ही कम होता है. तो जिन लोगों में द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लो और एब्सेंस ऑफ द गैस्ट्रिक HCl आर टर्म्ड एज द कंडीशन इज टर्म्ड एज एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया.
नाउ अनदर कंडीशन इज हाइपर क्लोरहाइड्रिया और हाइपर एसिडिटी वेन द एक्सेस इज अकर्स वेन देर इज ए एक्सेस सिक्रीशन और ऑफ द गैस्ट्रिक एसिडल टेक्स प्लेस इन द स्टोमक कॉजेज द इम्बैलेंस ऑफ द एसिड एंजाइम रेशियो लीडिंग टू द हाइपर एसिडिटी और द कंडीशन कॉल्ड अल्सर. ओके नाउ देर में अकर एकोमोलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेज और द गैसेज. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन डिजॉर्डर ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द डायरिया. डायरिया में अकर ड्यू टू द इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूड्स एंड द मिनरल्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन विच कॉजेज द डायरिया. देर में अकर इनसफिशियंट पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन देयर बाई कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन. द कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन वेयर बाई देर इज अ डिफिकल्टी इन द इविक्यूशन ऑफ द बोवल और देर इज द स्टोमक इज अनेबल टू क्लियर बोवल. The contents of the gastric contents are unable to move outside the body. The condition is called as constipation. There is very large number of factors which causes constipation like eating much, lack of liquid diet, yeah, lack of fluid in the body, sedentary lifestyle, lack of physical work or physical strength of the body, lack of any accident cases which injury in the gastrointestinal tract which leads to the reduced mobility or reduced peristaltic movements and other reasons also. And some of the drugs may also have the constipation effect. They also reduce the peristaltic movement of the gastric tract. There may occur inadequate secretion of the saliva thereby making the food to swallow with difficulty. There may occur ingestion of the poisonous substance accidentally or intentionally by the some person. Now it is possible to correct the possible conditions by administration of the suitable drugs which are called as the gastrointestinal agents. तो हमारे ये सारे जो conditions से ऊपर achlorhydria और hypochlorhydria, हाइपर एसिडिटी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इंजेशन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स, इन सबको एलिमिनेट रिमूव आउट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम जो कंडीशन एजेंट्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स. Now next to is the classification of the inorganic gastrointestinal agents. Now we are just able to know about the types of the inorganic compounds which are used as gastrointestinal agents. First category is acidifying agents or acidifiers. Second one is antacids. Third one is cathartics. Fourth one is laxatives. Fifth one is purgatives, and sixth one is protractives and adsorbents. So हम पहले बात करेंगे एसिडिफाइंग एजेंट्स या एसिडिफायर्स की. वो एजेंट्स हैं जो कि हमारा गैस्ट्रिक पीएच को घटाने में हेल्प करते हैं, यानी एसिडिफाई करने में हेल्प करते हैं. जिन लोगों में एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन होती है उन लोगों को हम उस टाइप के पेशेंट्स को हम एसिडिफाइंग एजेंट्स एडमिनिस्टर करते हैं, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl. सेकेंड कैटेगरी है कंपाउंड की एंटासिड. ये वो ड्रग्स होती हैं जो हम हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में यूज़ करते हैं. जिन लोगों में बहुत ही एक्सेसिव एसिड सिक्रीशन होता रहता है या कंटिन्यूसली HCl फॉर्मेशन या सिक्रीशन होता रहता है तो उनमें अल्सर होने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं. इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो थर्ड कैटेगरी है कैथार्टिक्स. जब हमारा इविक्यूशन नहीं होता है, बोवल इविक्यूशन नहीं हो पाता है सही से, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, यानी वो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम जो कंपाउंड देते हैं उनका नाम है कैथार्टिक्स. वो कैथार्टिक्स में भी डिफाइंड एज द ड्रग्स विच ब्रिंग अबाउट द डेफिकेशन और विच ब्रिंग अबाउट विच हेल्प्स इन द इविक्यूशन ऑफ द बोवल. दीज आर द एजेंट विच आर यूज टू रिमूव और एक्सपेल आउट द कंटेंट्स ऑफ द स्टोमक. ठीक है, दे आर बेनिफिशियल इन द कॉन्स्टिपेशन एंड फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स. ओके, एग्जाम्पल ऑफ द कैथार्टिक्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. नेक्स्ट इज द लैक्सेटिव्स. लैक्सेटिव आर द माइल्ड टाइप ऑफ पर्गेटिव्स. ये कैथार्टिक्स, लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव्स, ये दीज आर द सेम कैटेगरी ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड्स विच आर हैव द सेम पर्पज ऑफ
एलिमिनेटिंग और एम्प्टिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट्स और रिलीफ कॉन्स्टिपेशन। ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, कैथार्टिक्स, लैक्सेटिव्स और पर्गेटिव्स, ये तीनों कंपाउंड्स जो हैं सिमिलर कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं और सबका पर्पज़ एक ही है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करना या एक्सेसिव ये लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाना। लैक्सेटिव आर द टाइप ऑफ द माइल्ड टाइप ऑफ द पोर्गेटिव्स, दे गिव राइज टू द सेम इफेक्ट बट वेरी इन द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ी सी वेरी करती है बट इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज पर्गेटिव। दीज आर द सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स यूज इन द इविगेशन ऑफ द बोवेल एक्ट्स, विच दीज आर एक्ट सिमिलरली बट आर जनरली माइल्ड इन देयर नेचर ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल पोटेशियम बाई टार्ट्रेट। ठीक है, प्रोटेक्टिव्स एंड एडजॉर्बेंट्स। ये प्रोटेक्टिव्स एंड एडजॉर्बेंट्स जो जिस क्लास के कंपाउंड्स हैं, ये भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है और ये केमिकल इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड डायरिया और डिसेंट्री इन द ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब गैस एंड अदर इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स और गैस्ट्रिक टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरियाज। ये जो हमारे प्रोटेक्टिव्स और एडजॉर्बेंट्स होते हैं, ये हमारे डायरी माइल्ड डायरी डिसेंट्री कंडीशन को ट्रीट करने के काम आता है और हमारे जो माइल्ड इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये हमारा प्रोटेक्टिव्स और एडजॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं हम इसके लिए। एक हम टेबल आप देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या है, एसिडिफायर, एंटासिड्स और कैथार्टिक्स, ये तीन कैटेगरीज में हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स को डिवाइड किया है। इसमें जो है एसिडिफायर से हमारा अमोनियम क्लोराइड है, डाइल्यूट एचसीएल है, एंटासिड से सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है और भी कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटासिड से कैल्शियम ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है। एंड कैथार्टिक्स में हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है, केओलिन एंड बेंटोनाइट है। दीज आर दो लास्ट टू प्रोडक्ट कंपाउंड्स आर द प्रोटेक्टिव्स एंड एडजॉर्बेंट्स। ठीक है, दीज आर यूज टू एब्जॉर्ब एक्सेस गैसेज एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द गैस्ट्रिक ट्रैक्ट। नो, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसिडिफाइंग एजेंट्स और द एसिडिफायर्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स और एसिडिफायर्स क्या होते हैं, ये ड्रग्स और एजेंट्स होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक एससीएल को बढ़ाते हैं या उनके सिक्रीशंस को इंक्रीज करते हैं ताकि हम जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारा बॉडी में हो। ठीक है, ये किस कंडीशन में देते हैं, जब हमारा जो है लो एस सी एल सिक्रीशन होता है या नहीं के बराबर होता है, जैसे डायल्यूट एस सी एल और अमोनिया। ये किस कंडीशंस में देते हैं, पहली कंडीशन हाइपोक्लोराइड्रिया या एक्लोराइड्रिया की कंडीशन में हम जो है एस सी एल या अमोनियम क्लोराइड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ द एसिडिफाइंग एजेंट गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू रिस्टोर टेम्पररली द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एक्लोराइड्रिया और हाइपोक्लोराइड्रिया। गैस्ट्रिक एसिडिफायर की तरह ये काम करते हैं ताकि जो पेशेंट्स पेशेंट्स जो है एक्लोराइड्रिया मतलब डिफिशेंसी ऑफ द एस सी एल और हाइपोक्लोराइड्रिया या इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ द एस सी एल से सफर कर रहे हैं, उनमें उनको नॉर्मल एस सी एल का बॉडी में पहुंचाया जा सके ताकि उनका जो डाइजेशन है प्रॉपर हो सके। यूरिनरी एसिडिफायर, कई सारी यूरिनरी एसिडिफायर्स यूरिनरी कंडीशंस ऐसी होती हैं ये जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें यूरिन के पीएच को जो है एसिडिक रखना ज़रूरी होता है क्योंकि एसिडिक कंडीशंस में कई सारे बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दी अदर ड्रग्स विच आर यूज टू रेंडर द एसिडिक यूरिन टू एनेबल ट्रीटमेंट ऑफ सम टाइप्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। ठीक है, नाउ तो सिस्टमिक एसिडिफायर्स ये कौन से होते हैं, सिस्टमिक एसिडिफायर्स आर द ड्रग्स विच आर एबल टू न्यूट्रलाइज द अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड्स पार्टिकुलरली द ब्लड इन द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द सिस्टमिक एल्कलोसिस। ठीक है, क्लियर है, जो हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उनके जो पीएच है हमारा एसिडिफाई करते हैं उनको, जैसे कि ब्लड और जो और वो पेशेंट्स जिसमें कि सिस्टमिक एल्कलोसिस होने के चांसेस होते हैं या हो रहा होता है, उस केस में हम गैस्ट्रिक सिस्टमिक एसिडिफायर यूज़ करते हैं। और जो नॉर्मली एसिड होता है वो फार्मास्यूटिकल एड्स की तरह ये काम करता है इन द प्रिपरेशन, लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा। नो, ठीक है, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग इन नेक्स्ट इन द आवर नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियोज़ कंटिन्यूसली.